जो चाहे मांग लो, बदले में मुझे बस एक चीज चाहिए, तोलो लिंग। कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले कर्नल M.B. रविंद्रनाथ ने अपने साथियों से ये आखिरी शब्द बोले और चुप हो गए। युद्ध निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुका था। कैलेंडर में तारीख थी 12 जून। दो राजपूताना राइफल्स के सिपाहियों ने अपने कमांडर की मोटिवेटिंग स्पीच सुनी। आखिरी सवाल के बाद उनमें से एक JCO भंवर सिंह उठे और बोले, सर बस एक ही चीज़ मांगनी है, कल तोलोलिंग पर आप हमारे साथ चाय पियेंगे। जवानों का जज्बा मजबूत था, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें चाय तो क्या, खाना भी लग्जरी था। तोलोलिंग की पीक्स 16,000 फीट की ऊंचाई, -10 डिग्री टेम्परेचर, जिसे चढ़ने में ही लगभग 11 घंटे लगते थे। इंच दर इंच चढ़ते हुए जवान, सामने से गोलियों की लगातार बौछार और पीठ पर 25 किलो का बोझ। इतनी चढ़ाई पर एक एक ग्राम एक किलो के बराबर होता, इसलिए कई बार जवानों के सामने ऑप्शन होता कि या तो एक किलो खाना लेकर जाएं या 50 एक्स्ट्रा बंदूक की गोलियां। दोनों में से एक की भी कमी जानलेवा साबित हो सकती थी। तोलोलिंग की जंग लड़ने वाले कैप्टन अजीत सिंह याद करते हुए बताते हैं, कई बार जवान खाने की बजाय एक्स्ट्रा गोलियों का चुनाव करते थे। खुद कैप्टन अजीत को एक बार 3 दिन तक बिना खाने के रहना पड़ा था। इन दिनों में बस सिगरेट के सहारे काम चलाना पड़ा था। ऐसे कितनी ही कठिनाइयों के बावजूद इंडियन आर्मी ने तोलोलिंग में वो करके दिखाया जिसे नामुमकिन समझा जा रहा था। तोलोलिंग पर कब्जे के आसरे पाकिस्तान का पूरा प्लान टिका था, इसलिए इंडियन आर्मी ने जैसे ही तोलोलिंग को फतेह किया, युद्ध की पूरी दिशा बदल गई। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं तारीख। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लाए हैं अपनी खास सीरीज। पिछले 3 अंकों में हम पाकिस्तान की प्लानिंग, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, बटालिक की लड़ाई के बारे में बात कर चुके हैं। आज बात होगी बैटल ऑफ तोलोलिंग की। भारतीय जवानों ने कैसे जीता तोलोलिंग, कौन सा था वो हथियार वो चट्टानों को अखरोट की तरह तोड़ डालता था, जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही जानेंगे वो किस्सा जब इंडियन एयरफोर्स के निशाने पर आए नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की जान किस्मत से बच गई। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रिकेट मैच से। साल था 1999, 8 जून की तारीख। मैनचेस्टर का मैदान, भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सुपर 6 का मैच खेल रहे थे। ठीक तब जब कारगिल में दोनों देश की सेनाएं आमने सामने, या कहना चाहिए ऊपर नीचे थी। मैच के दौरान अजहर महमूद ने 21 ओवर की 5वीं गेंद कराई और सचिन सकलैन मुश्ताक को कैच थमा बैठे। पाकिस्तान में संसद सत्र चल रहा था, सचिन के आउट होने की खबर वहां भी सुनाई गई। उधर मैनचेस्टर के मैदान में ऐसा हंगामा मचा कि खेल खत्म होते होते 3 लोग अरेस्ट कर लिए गए, वहीं 9 दर्शकों को मैदान से बाहर निकालना पड़ा। पाकिस्तान समर्थक तब मैदान में तख्तियां लेकर आए थे जिसमें लिखा था, कारगिल और मैच दोनों हमारे हैं। पाकिस्तान के ये दोनों मंसूबे हालांकि पूरे नहीं हो पाए। भारत के 228 रनों के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 180 पर गड्ढी हो गई। भारत मैच जीत गया और इसके ठीक 4 दिन बाद ही भारत ने तोलोलिंग पर हमले की शुरुआत कर दी। हरिंदर बवेजा अपनी किताब अ सोल्जर्स डायरी करगिल द इनसाइड स्टोरी में बताती हैं, पाकिस्तान के मैच हारने की खबर आई तो जवानों ने जय जयकार शुरू कर दिया। इसके 4 दिन बाद यानी 12 जून को जब तोलोलिंग पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई तो सैनिकों में गजब का उत्साह था। क्रिकेट की फील्ड में भारत की जीत को वो एक शुभ संकेत के तौर पर देख रहे थे। तोलोलिंग में लड़ाई कैसे लड़ी गई, ये समझने के लिए आपको नक्शे की मदद लेनी होगी। कारगिल युद्ध को हम मुख्यतः 2 सेक्टर में बांट सकते हैं, कारगिल सेक्टर और बटालिक सेक्टर। कारगिल सेक्टर में द्रास और मशको घाटी आती है, ये कारगिल के साउथ वेस्ट में पड़ते हैं, वहीं बटालिक कारगिल के नॉर्थ में है। तोलोलिंग की पहाड़ियाँ द्रास सेक्टर में पड़ती है। यहाँ कई सारी पीक्स है, मसलन 0.4590 और 0.5140। इसी के बगल में है टाइगर हिल, नोल एंड लोन हिल और 3 पिंपल पीक। लमसम समझिए तो ये सब वो पॉइंट्स हैं जिन पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया था, और ये सभी पीक्स श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे NH1 से एकदम नज़दीक थी। इतने नज़दीक कि वे लोग सीधे NH1 पर फायरिंग कर सकते थे।
NH1 हाथ से गया, मतलब श्रीनगर और सियाचिन का कनेक्शन टूट गया। इसलिए कारगिल युद्ध के दौरान आर्मी का सबसे ज़्यादा जोर तोलोलिंग जीतने पर था। तोलोलिंग पर पाकिस्तानी कब्जे का पता 14 मई को चला। 18 ग्रेनेडियर को तोलोलिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि कुछ चूहे आए हैं। हालांकि जैसे ही ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जल्द ही साफ हो गया कि ऊपर चूहा नहीं, बड़ा जानवर बैठा है। नागा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जवानों ने तोलोलिंग पर चढ़ाई की कोशिशें की, लेकिन ऊपर से फायरिंग इतनी तेज थी कि सैनिक जहां थे वहीं अटक कर रह गए। 18 ग्रेनेडियर के जवान तो 16 दिन तक एक दर्रे में फंसे रहे। कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए। भारत को बहुत नुकसान सहना पड़ा। अपने साथियों की बॉडी लेने के लिए जवान जब चोटियों पर जाते तो वहां उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों से गाली सुनने को मिलती। ऐसा ही एक किस्सा है कैप्टन सचिन निंबालकर का। निंबालकर जब तोलोलिंग पर चढ़ाई कर रहे थे, एक पाक फौजी ने आवाज़ लगाई, हिम्मत है तो आकर अपने अफसरों की लाश ले जाओ। निंबालकर ने गुस्से में जवाब दिया, घटिया आदमी, मैं यहाँ तेरी लाश लेने आया हूँ। तोलोलिंग को वापस जीतना मुश्किल साबित हो रहा था, इसलिए जून के महीने में राजपुताना राइफल्स को तोलोलिंग के मोर्चे पर भेजा गया और एक नए सिरे से तोलोलिंग जीतने की योजना बनाई गई। इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू था एक हथियार, जिसने चंद साल पहले ही भारत में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया था। हम बात कर रहे हैं बोफोर्स तोपों की। एक बड़े स्कैंडल का कारण बनी बोफोर्स ने कारगिल में बड़ा असर डाला। 120 बोफोर्स तोपें तोलोलिंग में ठीक उन पीक्स के नीचे तैनात की गई जिन पर पाकिस्तान का कब्जा था। पाकिस्तान के पत्रकार नसीम जहरा ने एक किताब लिखी है, फ्रॉम करगिल टू द कू। नसीम जहरा लिखती हैं, बोफोर्स की तोपों ने पाकिस्तानी बंकर्स को भयंकर नुकसान पहुंचाया। तोलोलिंग पर एक के बाद एक 10,000 गोले दागे गए। विस्फोटक पावर के लिहाज से देखें तो 50,000 किलो TNT। राजपुताना राइफल्स के एक अफसर के अनुसार वहां ऐसा लग रहा था मानो दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। बोफोर्स के गोले चट्टानों को ऐसे चकनाचूर कर रहे थे जैसे कोई हथौड़े से अखरोट तोड़ रहा हो। तोलोलिंग टॉप के पास एक चोटी पर बने बंकर पर तो इतने गोले दागे गए कि उस पीक का नाम ही बर्बाद बंकर रख दिया गया। इस बीच बोफोर्स जब तोलोलिंग के बंकर्स को नेस्तनाबूद कर रही थी, भारतीय फौज की 3 टीमें अभिमन्यु, भीम और अर्जुन ऊपर की ओर बढ़ रही थी। प्लान था कि एक साथ मल्टीपल अटैक किए जाएं ताकि दुश्मन को संभालने का मौका ना मिले। भारत ने तेजी से हमला किया। यह हमला इतना सटीक था कि पाकिस्तानी फौज संभल नहीं पाई और 13 जून की सुबह 4 बजे तोलोलिंग टॉप पर भारत का झंडा फहरा दिया गया। काम हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ था। अगले ही दिन फौज ने बर्बाद बंकर पर कब्जा कर लिया। बर्बाद बंकर को जीतने में कैप्टन विजयन थापर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्हें 3 पिंपल पीक को जीतने की जिम्मेदारी मिली जो तोलोलिंग के बगल में ही थी। चांदनी रात में पूरी तरह से दुश्मन की फायरिंग रेंज में होने के बावजूद विजयंत आगे बढ़े और 3 पिंपल्स को जीत लिया। हालांकि विजयंत की जान नहीं बच पाई, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। विजयंत से जुड़ा एक किस्सा है। जब वे 3 पिंपल्स पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब उन्होंने अपने परिवार के नाम एक खत छोड़ा। इसमें खासतौर पर एक रुखसाना नाम की लड़की का जिक्र था। कौन थी वो? दरअसल कुपवाड़ा में पोस्टिंग के दौरान विजयंत रुखसाना से मिले थे। एक छोटी बच्ची जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को आतंकवादियों के हाथों कत्ल होते देखा था। इस हादसे ने उस बच्ची से उसकी आवाज़ छीन ली थी। उस बच्ची की मासूमियत पर विजयंत का दिल आ गया और वो उससे रोज़ मिलने लगे। धीरे धीरे विजयंत के प्यार ने जादू दिखाया और बच्ची बोलने लगी। आखिर लड़ाई पर जाते हुए विजयंत ने अपने माँ बाप को खत में लिखा था कि अगर वो वापस ना लौटे तो रुखसाना को 50 रुपये बराबर भेजे जाएँ। ये कैप्टन विजयंत की कहानी है। तोलोलिंग और द्रास की लड़ाई में ऐसे कितने ही लोगों को हमने खोया। मेजर राकेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर पद्मपानी आचार्य जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने तोलोलिंग में वीरगति प्राप्त की। तोलोलिंग की पूरी लड़ाई कितनी भयानक थी, ये ऐसे समझिए कि पूरे कारगिल युद्ध में जितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए उनमें से आधे लोगों की जान तोलोलिंग में गई थी। तोलोलिंग की लड़ाई जीतने में इंडियन एयरफोर्स का भी मेजर रोल था। एयरफोर्स ने कैसे फौज की मदद की, इसकी कहानी हम कल के एपिसोड में बता चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों IAF के निशाने पर थे, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई।
कैसे? 24 जून 1999 सुबह के 8:45 बज रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर फाइटर उड़ रहा था। उसके कॉकपिट लेजर डेजिग्नेशन सिस्टम पर 0.4388 नजर आने लगा। यह पाकिस्तान का एक फॉरवर्ड बेस था। पायलट को बेस पर काफी लोग नजर आए। उसने इस निशाने को लॉक कर लिया। अब बारी थी बम चलाने की, लेकिन इस जेट से सिर्फ टारगेट लॉक किया जा सकता था। इस जेट के पीछे एक और जैगुआर फाइटर आ रहा था जो लॉक हुए निशाने पर बम दागने वाला था। हालांकि अंत में कुछ ऐसा हुआ कि 0.4388 पर बम चलाने की बजाय कहीं और चला दिया गया। बम क्यों नहीं चलाया गया? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि उस रोज इलाके में 3 जेट उड़ रहे थे। तीसरा जेट उड़ाने वाले थे एयर मार्शल AK सिंह। पहले जेट के पायलट ने जब 0.4388 देखा, उन्होंने ये बात AK सिंह को बताई। AK सिंह को इलाके में उड़ान का काफ़ी अनुभव था। उन्हें समझ आ गया कि ये गुलतेरी बेस हो सकता है। गुलतेरी दरअसल पाकिस्तानी फौज का फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बेस हुआ करता था। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज को यहीं से गोला बारूद सप्लाई होता था। इस पर हमला पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि LOC के ये दूसरी तरफ था, पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया में। भारत सरकार का सख्त आदेश था, LOC पार नहीं कर सकते। इसी कारण AK सिंह ने पायलट से कहा कि वो 0.4388 पर बम न चलाकर कहीं और चला दे। इसके बाद तीनों जेट वापस आदमपुर बेस पहुंच गए। फाइटर जेट की वीडियो फुटेज खंगाली गई। AK सिंह का डर सही निकला। पहले जेट पर लॉक हुआ बेस गुलतेरी ही था, यानी वो बेस जो LOC के उस पार था जिस पर हमला नहीं किया जाना था। बाद में एक खतरनाक बात और पता चला कि उस सुबह नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ भी गुलतेरी बेस पर मौजूद थे। पायलट को जो वहां जमा भीड़ नजर आई, वो नवाज शरीफ को सुन रहे फौजी थे। अगर गलती से बेस पर हमला हो जाता तो कारगिल का युद्ध एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता था। इस किस्से से आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।